दिल्ली हाई कोर्ट ने दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी है। इन दवाओं में डॉक्टर्स के पर्चे पर लिखी गई दवाएं भी शामिल है। चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वी के राव की बेंच ने उस याचिका पर अंतरिम आदेश दिया है जिसमें दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील नकुल मेहता ने कहा कि अदालत ने ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर अंतरिम रोक लगा दी है और सरकार से इस संबंध में जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। अदालत अगली सुनवाई मार्च में करेगी। याचिका में कहा गया कि बड़ी संख्या में बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और वे गलत दवाओं के शिकार हो सकते हैं, इस वजह से ये कदम उठाया गया है। और सोचने वाली बात यह है कि ऑनलाइन दवाओं की डिलीवरी में भी कई बार धांधली देखने को मिली है और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पेटेंट दवाएं भी मिल जाती हैं जो कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। ऐसे में ये कदम काफी ठोस है और सराहनीय भी। क्यूरिन हेल्थ एक्स की रिपोर्ट।